हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल का जो लोगो होता है, कैसे टेक्निकल गुरुजी या फिर शर्मा जी टेक्निकल का जिस यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूब का जो जिन तरह का मतलब लोगो होता है यूट्यूब चैनल का, आप अपने यूट्यूब चैनल का भी उसी सेम तरह का लोगो, स्टाइलिश लोगो, डिजाइन लोगो बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड मोबाइल में जाइए, उसके बाद प्ले स्टोर में जाइए और एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, पिक्सआर्ट नाम करके। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो पिक्सआर्ट फोटो स्टूडियो एंड कॉलेज इस तरह का कुछ ऐप का नाम है। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपका कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आता है। और सबसे नीचे यहाँ पे देखिए प्लस बटन है सबसे नीचे, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो ड्रॉ बटन दिख रहा है ड्रॉ करके इसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक व्हाइट बैकग्राउंड ले लीजिए ताकि उनके ऊपर आप क्रिएट कर सके। तो मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो लोगो बनाने का जो सबसे बड़ा मैंने हाइट और विथ जो होता है वो 1536x1536 होता है। तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए कस्टम करके, मैंने ऑलरेडी कर चुका, तो 1536x1536 हाइट एंड विथ के हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो भी आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाइट ले रहा हूँ तो व्हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद राइट साइड पे देखिए एक एरो करके है, मतलब उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे फिर से वही वाला नेक्स्ट कर दीजिए और नीचे आ रहा है सेव एंड शेयर, तो इसको सेव कर लीजिए व्हाइट बैकग्राउंड को और गैलरी पे सेव कर लीजिए। ठीक है, जैसे पिक्सआर्ट एल्बम पे सेव हो चुका, उसके बाद बैक कर दीजिए। ठीक है, बैक करने के बाद फिर से प्लस सिंबल पे आइए और यहाँ पे जो एडिट है एडिट के ऊपर जाइए। एडिट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपका जो न्यू ऐप क्रिएट किए वो आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करिए। और जैसे कि मैं मेरा चैनल का लोगो आपने देखा होगा, तो इसी तरह का मैं एक आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का पहले एड ऑन है, टूल्स है, मैजिक है, इफेक्ट है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर डालिए और मेरा जो चैनल का नाम है टेक्नो दुनिया उसका टी डाल देता हूँ और उसके बाद राइट साइड पे टिक है तो टिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। और इसमें से बहुत सारा फॉन्ट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये वाला बोल्ड वाला जो फॉन्ट है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे जो कलर है कलर के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कलर का ऑप्शन है। तो मैं सिंपली ये कलर चूज करता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसके पोजिशन को हिसाब से साइड लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेफ्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि नीचे भी कुछ लिखना पड़ेगा इसलिए। और उसके बाद टिक कर दीजिए और फिर से टेक्स्ट में जाइए और टेक्नो दुनिया का डी जो है डी में क्रिएट कर लेता हूँ और उसके भी टिक कर देता हूँ और फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से वही वाला फॉन्ट। और कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डार्क वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला और उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। आपके पर्सनल हिसाब से अप डाउन मूव कर सकते हैं, उसके बाद उसको छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से राइट साइड पे टिक कर दीजिए। ठीक है, और राइट साइड पे टिक कर देने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट में जाइए और आपका जो चैनल का नाम है या फिर कोई स्लोगन है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे करके मेरा चैनल का फुल नाम ही यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्नो दुनिया। ठीक है, उसके बाद वो भी ओके कर लेता हूँ और उसका पोजिशन आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट जो है वो वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया और जो कलर है कलर को मैं ब्लैक रखता हूँ क्योंकि व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक अच्छा रहेगा, तो ब्लैक रख लेता हूँ मैं। और थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, अब जितना इसके ऊपर टाइम देंगे आपके मतलब आपका जितना आप टाइम देंगे आप खुद ही आप चेंज कर सकते हैं और भी अच्छा स्टाइलिश लोगो बना सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद इसको भी टिक कर देता हूँ और नीचे फिर से टेक्स्ट में जाने के बाद आई को ले लेता हूँ कैपिटल आई को और उसके बाद उसको भी राइट साइड करके टिक कर लेता हूँ और उसका भी फ्रंट और सेम फ्रंट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कलर को व्हाइट रख रहा हूँ अभी, वो भी कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसको
घुमा देता हूँ इस तरह से, इसको नीचे ले आऊँगा और उसके बाद क्लिक करके नीचे ले आता हूँ, उसके बाद बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है इस तरह से। आप जितना आप चाहे मर्जी चाहे उसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और उसके बाद उसका जो कलर है, कलर कोई और भी कोई कलर ले सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और उसके बाद टिक कर देता हूँ। और उसके ऊपर जो मेरा नाम है, आपका स्लोगन भी आप लिख सकते हैं चलन का, तो मेरा नाम ही डाल देता हूँ यहाँ पे, शांतनु कौर, और उसके बाद टिक कर देता हूँ। और उसके ऊपर इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और फ़ॉन्ट वही सेम वाला फ़ॉन्ट, आप यहाँ पे कुछ भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, आपका जितना अच्छा लगा होगा, जो अच्छा लगे वही फ़ॉन्ट आप ले लीजिए, ठीक है। और उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बोल्ड ही रख लेता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, इस तरह से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको व्हाइट ही रखना हो क्योंकि ये ब्लू के ऊपर अच्छा लगेगा। और उसके बाद टिक कर दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरा 90% काम हो ही गया, थोड़ा सा स्टाइल देखना पड़ेगा इसलिए। तो फिर से वहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ और एक कैपिटल आई ले लेता हूँ, इसको व्हाइट में रखना हूँ और फ़ॉन्ट वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद घुमा के थोड़ा सा स्टाइलिश कट कर रिंग देता हूँ, इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और इसको आप इस तरह से घुमा के स्टाइलिश स्टाइल दे सकते हैं, जैसे करके ऐसा, और बड़ा छोटा करके आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे करके मैं ऐसा कर रहा हूँ, सेम टू सेम आप भी फॉलो कीजिए, हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अब सेम टू सेम करिए, आप लोगों का भी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो व्हाइट है व्हाइट रख रहा हूँ और उसके बाद उसको भी टिक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कितना स्टाइलिश रख रहा है, इस बार इस तरफ भी करना का पड़ेगा लेफ्ट साइड, वो सेम टेक्स्ट में जाके कैपिटल आई ले लेता हूँ और उसके बाद टिक कर देता हूँ और फॉन्ट भी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी सेम घुमा देता हूँ और इस तरह से लेके और इस तरह से कट करके और उसको भी सेव कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और भी टी के डी के ऊपर एक थोड़ा सा कट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। मैं टी के ऊपर कर रहा हूँ और कैपिटल आई और उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट जो है फॉन्ट को भी इस तरह से करके आपके प्रेजेंस के हिसाब से घुमा फिरा के छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस तरह से और थोड़ा सा खींच देता हूँ इसको, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हैं, थोड़ा मोटा हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरह से करके और थोड़ा भी और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से और इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। देखिए ऐसा हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। टी का भी सिंबल चेंज कर सकते हैं वहाँ पे टेक्स्ट को लेके, वो कैपिटल आई को फिर से ले रहा हूँ और यहाँ पे बोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और बोल्ड सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से लेके घुमा देता हूँ और फॉन्ट जिस तरह का है उसी तरह का सेम ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप स्टाइलिश बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद इसको टिक कर दीजिए और ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये देखिए गैलरी यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा है, तो गैलरी में सेव टू पिक्चर एल्बम ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। इसे करके बहुत ही आसान तरीके से आपके पास चैलन का लोगो, उतना टेक्निकल गुरुजी या फिर सनमाजी टेक्निकल या फिर बड़ा बड़ा जो मतलब चैलन यूट्यूब पे चैलन पे लोगो होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप जितना एफर्ट देंगे इसमें टाइम लगाएंगे आप उससे ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों का मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मैं लेके आता रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।